अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 15 नवंबर 2024। जी हाँ, आज की आवेदन स्थिति को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अब जैसे लगता है ना कि आप लोग के अंदर का बिल्कुल सब्र खत्म हो चुका है, आप लोग के हर एक कमेंट का आंसर इस वीडियो में किया जाएगा। सर, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस कैसा होगा? देखिए, आपके जो भी सवाल होंगे उसका आंसर इस वीडियो में किया जाएगा। लेकिन पीएनपी की तरफ से एक नोटिस आई थी, जिस हिसाब से आज से डीएलएड में स्क्रूटनी, ठीक है, परीक्षा के लिए आवेदन लिया जाएगा। स्क्रूटनी में होता है क्या, आपको क्या लगता है, क्या री एग्जाम होता है कि क्या होता होगा? ठीक है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि आगे चलकर आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करना रहेगा। अब एक ही दिन में होगी पीसीएस प्री, कराएगा आयोग। आरओ एआरओ परीक्षा टल गई है फिलहाल, ठीक है, बड़ी अपडेट है। तो काफी बड़े स्तर पर देखिए धरना प्रदर्शन हुआ था, आप देख सकते हैं कितने बड़ी संख्या में छात्र सम्मिलित हुए और अंत में छात्रों की जीत हुई। ठीक है, छात्रों की जीत मतलब आपकी जीत, क्योंकि आप भी हो सकता है इस परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हो। दिसंबर से जनवरी के बीच टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने की तैयारी है, जरा देख लीजिए। आपको बता दें, आपको इन वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता। टीजीटी में मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होगी वो बीएड होगी, और वहां पर भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनना जरूरी है। ठीक है, होता क्या है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं रहता टीजीटी में भी काफी बच्चों के साथ, तो उनका भी बीएड करना खराब हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरओ एआरओ के लिए कमेटी गठित की गई है, अभ्यर्थी अब भी धरने पर डटे हैं। प्रतियोगी छात्र छात्राएं बढ़के तो चौथे दिन बैकफुट पर आया, यूपीपीएससी सीएम योगी को देना पड़ा निर्देश, फिर भी गतिरोध। ठीक है, पीसीएस में अब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। याद रखिएगा दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कभी भी ठीक नहीं होती, उसमें कोई भी मानक ऐसा नहीं होता है जो दो लोगों को इक्वल कर सके। दो एग्जाम को शांति भंग करने में 17 हिरासत में 12 का किया चालान, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इतना आसान देखिए आजकल नौकरी पाना नहीं है। हाँ, अब देखते हैं, आप लोग काफी ज्यादा परेशान है कि कितना जल्दी प्रोसेस शुरू हो। हमने बोला है कि नेक्स्ट वीक तक, चलिए हम लोग इंतजार करते, हो सकता है कि कोई बड़ी खबर हमें तब सुनने को मिल जाए स्टेट रैंक और काउंसलिंग को लेकर। लेकिन स्टेट रैंक और काउंसलिंग की प्रक्रिया होती कैसे है वो भी हमने आपको एकदम क्लियर बताया था वीडियो के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले जब आप स्टेट रैंक डाउनलोड किए पिछले साल बच्चे 2023 में, तो ऐसा प्रोसेस इस बार 2024 में भी होगा। ये मत सोचिएगा कि यहाँ 2023 लिखा तो भैया ये अलग है, इस बार अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं। इस बार भी आपका नाम आएगा, पिताजी के नाम, जेंडर, कैंडिडेट की कैटेगरी क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट, सब कैटेगरी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है आपकी स्टेट रैंक, यहाँ पर जैसे लिखा रहा है स्टेट रैंक की डिटेल 19,560। अगर आप 20,000 के अंदर आते हैं तो आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। और इस बच्चे की किस्मत देखिए, एक ये रैंक आती है और दूसरी बात ये कॉलेज भी अलॉट होता है, ठीक है, सुल्तानपुर डायट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डायट कॉलेज इनको मिलता है। इनके नंबर टोटल कितने बनने थे, टोटल मार्क्स हैं 231.76, लगभग 231 से भी ऊपर नंबर थे, इनको इतने नंबर में सरकारी कॉलेज मिल गया, ठीक है। लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी, जरा देख लीजिए, तो यहाँ पर कॉलेज के नाम तो अभी शो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे कॉलेज थे जहाँ पर 1693, ठीक है, रैंक में ही जनरल की सीट्स फुल हो गए, ये देखिए। तो भैया जनरल कैटेगरी में कंपटीशन बहुत टफ रहता है। तो यहाँ पर टोटल 15 डायट के नाम आप देख रहे हैं इस समय, यहाँ पर देखिए, और सभी में, ठीक है, जो क्लोजिंग रैंक है जनरल कैटेगरी के लिए वो देखिए, इस बच्चे की रैंक यहाँ पर देखिए 18,161 थी, और इनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता। 15 कॉलेज का नाम इन्होंने दिया था सरकारी में, कोई भी कॉलेज इनको नहीं मिला, ठीक है। अब देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए, इनके नंबर 232.46 थे, इनको कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं मिला। ये बच्चे कौन सी कैटेगरी से थे, जनरल से थे, और ये बच्चा भी जनरल कैटेगरी से था, लेकिन इस बच्चे ने जनरल कैटेगरी के साथ उसमें ईडब्ल्यूओ सर्टिफिकेट बनवा लिया। देखिए यहाँ पर लिखा है ना ईडब्ल्यूओपी, ये होती है समझदारी। इस बच्चे के नंबर कम थे, इनको सरकारी कॉलेज मिल गया, ठीक है, और इस बच्चे के नंबर जनरल में ज़्यादा थे, इनको कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि इस बच्चे ने दिमाग नहीं लगाया, ईडब्ल्यू का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया। इसीलिए कहते हैं थोड़ी सी समझदारी भी आपके पास होना जरूरी है, ठीक है, समझदार भी बनना है।
तो बाकी जैसे ही आपको कोई कॉलेज मिलेगा, देखिए आपके मनपसंद का जैसे इनको सेकंड नंबर डायट मिल गया, तो यहाँ पर लिख क्या रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट ऑफ 5,000 रुपये। ठीक है, जितना पैसा इनको पेमेंट भी अब करना पड़ेगा, ये भी जरा ध्यान देना इनको। और एक बात और बता दें, जैसे बच्चे को यहाँ पर ठीक है सरकारी कॉलेज मिला, तो और कुछ बातें यहाँ पर आपको देखनी जरूरी होगी कि इसके बाद जो पहले नंबर की थी, जो रैंक गई थी 19,499 थी, ठीक है, इनको पहले नंबर वाला भी डायरेक्ट मिल सकता था, लेकिन थोड़ी सी रैंक अच्छी होती, एक आधा नंबर ज़्यादा होता, बस एक नंबर, देख रहे हैं 560 या 499, लगभग 60 बच्चे या 61 बच्चे इनके आगे थे। ठीक है, तो ऐसा रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में कितनी क्लोजिंग रैंक गई है, यहाँ पर लिखा है, उसके बाद EWS कैटेगरी में क्या क्लोजिंग रैंक है, यहाँ पर लिखा है, टोटल सीट्स लिखी हैं, ठीक है, अलॉटेड कितनी हो रही है। एक बात और आपको देखना है, यहाँ पर कुछ सीटें बच भी गई थी, जैसे इस कॉलेज में यहाँ पर देखिए 2 सीटें बच रही है ना बैलेंस, मतलब ये नेक्स्ट राउंड में 20,000 180,000 में जिन बच्चों की रैंक होगी उनको यहाँ पर मौका मिला होगा, तो काफ़ी जगह बहुत ज़्यादा ज़्यादा सीटें बच गई। यहाँ पर देखिए अलॉटेड खाली 4 सीटें हो रही है, 5 A हो रही है, तो हर कॉलेज में अलग अलग सिस्टम रहता है, तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना। चलिए पहले हम आप लोग के कमेंट्स का आंसर कर दें। देखिए हाँ, कुछ बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर वीडियो बार बार देख के थक चुके हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा, आपको टीचर कौन से क्लास का बनना है पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए, आप टीचर बनेंगे 1 to 5। आप लोग को पता है प्राइमरी में क्या पढ़ाया जाता है, आप लोग वीडियो एक बार रिपीट होके देख लेते होंगे तो आप लोग इतना परेशान हो रहे हैं, वहां पर जाएंगे 2 का पहाड़ा कम से कम दिन भर में 100 बार पढ़ाएंगे। ठीक है, आज आप एक वीडियो रिपीट से इतना दिक्कत में प्राइमरी लेवल के आप टीचर बनेंगे। याद रखिएगा DLED आप क्यों कर रहे हैं, ठीक है, DLED करने का उद्देश्य आपको पहले से पता होना चाहिए। आप कोई 11-12 के टीचर नहीं बनेंगे, 9-10 हाई स्कूल इंटर के टीचर नहीं बनेंगे, आपको टीचर 1 से 5 क्लास में बनना है या 6 से 8, मैक्सिमम 6 से 8। और जो भी बच्चा DLED करता है उसका मेन टारगेट होता है 1 to 5, आप प्राइमरी लेवल के टीचर बनेंगे। ठीक है, वहां पर दिन भर जाकर आपको रिपीट कराना, क से कबूतर, ए फॉर एप्पल, यही सब आपको पढ़ाना है वहां पर जाके। कोई बहुत हाई लेवल की वहां पर क्लासेस नहीं होती है प्राइमरी में, अभी आप लोग की टीचिंग भी लगेगी फर्स्ट सेमेस्टर में, अभी आप लोग एडमिशन लेंगे 5 महीने क्लासेस करेंगे, उसके बाद टीचिंग में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग को बिल्कुल बेसिक ही पढ़ाना है। ठीक है, आपको कोई ग्रेजुएशन की बड़ी क्लासेस नहीं लेनी कि आप लोग परेशान हो रहे होंगे, एकदम नॉर्मल लाइफ कर लीजिए जिंदगी। ठीक है, पेशेंस आना चाहिए आपके अंदर। सर हम जनरल कैटेगरी में जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र लगेगा क्या? निवास तो देखिए आपका लग जाएगा, निवास आपका लगेगा, बाकी जाति वाले कोई दिक्कत नहीं, जनरल में तो क्या ही दिक्कत है। सर DLED फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस कैसा होगा? सिलेबस देखिए टोटल आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, 3 सब्जेक्ट आपके 50-50 नंबर के रहेंगे, बाकी 5 सब्जेक्ट 25-25 के रहेंगे। ठीक है, 50 150 ही हो गया और 125 ही हो गया, टोटल आपका हो गया 275 नंबर। इतने नंबर की लिखित परीक्षा होगी प्लस 525 नंबर की इंटरनल परीक्षा, मतलब 525 नंबर में आपको क्या पढ़ना रहेगा, जैसे 525 में भी आपके 100 नंबर टीचिंग के रहेंगे, 425 नंबर कॉलेज के हाथ में रहेंगे। स्टेट रैंक कब आएगा? नेक्स्ट वीक तक हम लोग ध्यान देंगे, वेट करेंगे। काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है क्या? कोई बता दो, अभी नहीं, ठीक है, लेकिन बहुत जल्द स्टार्ट होगी। स्टेट रैंक आ गया है क्या? 12th वालों का एडमिशन होना चाहिए, तो देखिए जब 12th वाले फॉर्म ही नहीं भरे तो एडमिशन कैसे होगा? सर माई परसेंटेज 265, आराम से आप जो सरकारी कॉलेज चाहेंगे आपको वो मिलेगा। EWS सर्टिफिकेट कैसे ऐड करेंगे BTC में? फॉर्म भरते समय अगर आपने EWS लगाया तो ठीक, नहीं तो अब नहीं कर सकते। सर एडमिशन के लिए काउंसलिंग कैसे करना होगा? ठीक है, सबसे पहले आपको स्टेट रैंक डाउनलोड करना है, जो कि हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, थोड़ा सा सब्र करिए। 127-87 पर मतलब डायरेक्ट मिलेगा ST पे, चांस कम है, ठीक है, ST कैटेगरी है तो भी चांस कम है। तब प्लीज ये बताइए कि काउंसलिंग कब तक हो सकता है, रैंक कब आएगा? ठीक है, तो ये मान के चलिए समय लगेगा अभी कम से कम 1 हफ्ते का इंतजार। सर रैंक 2 लाख में जो आएगा उसका काउंसलिंग किस राउंड में होगा? देखिए जिनका रैंक 2 लाख में आएगा उनकी काउंसलिंग बता देते हैं आपको अभी, ठीक है, कि बाद में आपको परेशान ना हो। देखिए पहले 1 से 20 हज़ार पहले राउंड में रहेंगे, 20,000 1 से 80,000 दूसरे राउंड में रहेंगे, ये देखिए 1.5 लाख, ये चौथे राउंड में आप रहेंगे, ठीक है, 80,000 से 1.5 लाख ये थर्ड राउंड में, ठीक है, इस हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी। तो देखिए जब आप कोई कोर्स करने जाएं तो आप उसके बारे में पहले पूरी जानकारी रख लीजिए कि हमें आगे करना क्या है। ठीक है, तो अभी आप लोग को इतना परेशान नहीं होना, क्योंकि आपको पढ़ाना यार बिल्कुल बेसिक लेवल पर है,
बिल्कुल बेसिक, मतलब एकदम बेसिक का बेसिक, आप जो भी कहिए। जाएंगे बच्चों को गिनती पढ़ाएंगे, 1 2 3 4। वहाँ जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, आपको भले ज़्यादा आता हो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि प्राइमरी लेवल के बच्चे समझ जाएंगे। ए को आप कम से कम 100 बार लिखेंगे क्लास में, तब जाके बच्चे ए बनाना सीखेंगे। बहुत से बच्चों को ए लिखना नहीं आएगा, कुछ बच्चों को बी लिखना नहीं आएगा। तो ये सारा काम अब आपका रहेगा ना, जब पढ़ाने जाएंगे प्राइमरी में, टीचर बनेंगे, ये सब काम तो आपको करना रहेगा। 1 to 5 के बच्चे क्या पढ़ते हैं, क्लास 1 का बच्चा बताइए क्या ही पढ़ेगा। आप सोचिए जरा, क्या उस बच्चे को जोड़ना आता होगा? 2 + 5 ऐसे जोड़ना भी उसके लिए मुश्किल होगा। अब यहाँ लिखा होगा 11 और यहाँ लिखा होगा 19 90, तो उसको जोड़ना मुश्किल होगा कि कितना आएगा हासिल लेके ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसको घटाना मान लीजिए 31 में से 15 घटाना रहेगा। ये घटाना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल रहेगा, आपको बहुत आसान मतलब सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो अभी आप लोग अपने आप को मानिए, एक प्राइमरी के आप टीचर बनेंगे, उस हिसाब से अब आपको अपना माइंड प्रिपेयर करना है। ठीक है सर, मेरा ईमेल आईडी किसी दूसरे का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? कोई बात नहीं, जिसका ईमेल आईडी बस वो काम करता रहे बस। सर मेरे ओबीसी से 214 बन रहे हैं, अप्लाई करते समय 212 फिल हो गए। जी हाँ, एडमिशन होगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो गया। ठीक है, 187 नंबर है, कितने रैंक के अंदर आएगा ये? तो लगभग 2,40,000 आपका चला जाएगा। सर मेरा 232 नंबर है, प्राइवेट कॉलेज ही चाहिए। काउंसलिंग? जी हाँ, काउंसलिंग तब भी ज़रूरी रहेगा, कोई बात नहीं, आप ले लीजिएगा प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, जब आप काउंसलिंग कराएंगे उस समय अपने जो प्राइवेट कॉलेज है उसका नाम दे दीजिएगा, बात खत्म। मेरिट लिस्ट नहीं आएगा तो बहुत अच्छा होगा, नहीं आएगा ऐसा नहीं है। ठीक है, फिलहाल आपसे स्पूटनिक के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है डीजीलैंड में। चलिए, जो बच्चों की बैक लगी वो बच्चे अपना यहाँ पर ध्यान देंगे, बाकी आप लोग सब्र रखिए, सब कुछ सही होगा। थोड़ा सा सब्र आना चाहिए, क्योंकि अब आपको यहाँ पर समझना है कि आप लोग प्राइमरी लेवल के टीचर बनेंगे 1 से 5 के लिए। ठीक है, अगर आप 6 से 8 के सोच रहे हैं तो उसके लिए तो बीएड का कोर्स ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि 6 से 8 भी जाएंगे उधर, 9 से 10 भी जाएंगे, बीईओ की वैकेंसी आएगी, उधर आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे और भी आपको फायदा होगा बीएड करके। अगर आपका मेन टारगेट, मेन फोकस 1 to 5 है तो डीएलएड आपके लिए बेस्ट कोर्स है। ठीक है, क्या डेट एक बार और एक्सटेंड होगी? तो इसका आसार अब खत्म लग रहे हैं। काउंसलिंग और करेक्शन, करेक्शन आपका नहीं होता है डीएलएड में, फॉर्म में गलती होगी सुधारा नहीं जा सकता है। डायरेक्ट एडमिशन ये काउंसलिंग के बाद होगा, सारे राउंड की काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी, उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन की बात आएगी। ठीक है, सरकारी कॉलेज के लिए कट ऑफ स्टार्टिंग जनरल में 230 प्लस, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 225 प्लस, एससी में 215 प्लस, बाकी में 200 प्लस। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।